हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू महेंदुशाला। मैं आपका दोस्त शुभम शर्मा। आज महेंदुशाला के थ्रू आज आईबी जो असिस्टेंट का पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसका आंसर होगा बी। जो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसका आंसर होगा ए। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका आंसर होगा सी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा बी। एंड फिफ्थ का आंसर देखिए 5050। सेवन्थ का आंसर होगा बी और एट्थ का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, उसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। टेंथ में बी करेक्ट होगा 3 सेंटीमीटर। इलेवंथ में बी करेक्ट होगा। एंड ट्वेल्थ के अंदर 4 करेक्ट होगा। गाइस, जो ये इसमें लगे हुए ये सारे अभी तक सारे सही हैं। और जो इसके अंदर है ए बॉक्स कंटेन, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, जिसका ऑप्शन 2/9 है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये 15% इसके अंदर करेक्ट होगा, क्योंकि गाइस कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से वो नहीं होती है, तो इसके अंदर ये 1 वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, तो 7 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर ये 29 करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, जो सही लग रहे हैं सारे के सारे सही लग रहे हैं। 25 के अंदर ए, 26 के अंदर भी ए करेक्ट होगा, 27 में सी करेक्ट होगा, 28 के अंदर ए करेक्ट होगा, 29 में ए करेक्ट होगा, 30 में ए करेक्ट होगा, 31 में बी करेक्ट होगा, 32 के अंदर राजस्थान होगा, जिसमें कालीबंगा इंडस वैली साइट है वो किधर है, राजस्थान के अंदर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक वो पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना की उपाधि भी दी गई है। अंगरकोट का मंदिर कहाँ स्थित है, ये कंबोडिया के अंदर है। निम्न से सुनामी का कारण है, अर्थक्वेक है, ये सतलज रिवर है, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी, रिवर विच इज गंगा इन साउथ। ये गलत क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे आपको जो ये कृष्ण लगाया इसमें कावेरी होगा। और तुंगभद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यूपी में ना होकर कर्नाटका के अंदर होगी। नंदा देवी माउंटेन है उत्तराखंड के अंदर होगी। जय संहिता है, ये महाभारत का मूल नाम है इसका। रिक्टस की बीमारी विटामिन डी की कम से होती है। और फर्स्ट वुमन स्पीकर है वो मीरा कुमार थी, इसके अंदर ये गलत लिखा हुआ है। नजमा हेबतुल्ला बटरफ्लाई है वो स्विमिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे राज्यसभा से इस 2/3 बहुमत से पास हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर ये सॉल्यूशन विच टर्म्स रेड टू ब्लू, इसके अंदर आंसर नंबर 10 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में गुर्दे किस प्रणाली का भाग है, तो एक्सरेशन, इसमें रेस्पिरेशन लगाया हुआ 51 में, तो इसका ऑप्शन एक्सरेशन करेक्ट होगा। दो न्यूरोनों के बीच की अंतर को कहते हैं, इसे सिनॉप्स कहते हैं। इन प्लांट द अनदर पराकोस में क्या होता है, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, इसमें चिंपाजी करेक्ट होगा। इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है उसमें क्ले करेक्ट होगा। 56 में डी करेक्ट होगा, रेटिना होएगा। और इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है, तो ये IR² ये नहीं दर्शाता है, इसको शक्ति को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट है 58 के अंदर ए होगा, जनरेटर होगा। नेक्स्ट इसके अंदर 59 के अंदर बी सी होगा। एंड 60 के अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, 61 के अंदर ऑफ होगा, 62 के अंदर ए होगा, 63 में ए होगा, 64 में बी होगा, 65 में बी होगा, 66 में ए होगा, 67 में ए होगा, 68 में ऑल होगा, 69 में प्लानिंग हो जाएगा, 70 में सी हो जाएगा, और 71 में मिसचीफ करेक्ट गलत हो जाएगा, और 72 के अंदर ए करेक्ट होगा, 74 के अंदर 3 करेक्ट होगा, 75 के अंदर वोल्केनो ये गलत है, इसका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट 76 में एथिस्ट, 77 में ऑटोबायोग्राफी, 78 में मैन्यूस्क्रिप्ट, ए नंबर ऑफ सीप इज फ्लीट, ए यंग काउ इज हर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर 81 के अंदर डी करेक्ट होगा, 82 के अंदर बी करेक्ट होगा, 83 के अंदर देखिए आपका टेम्परेचर ये वाला सही होगा, 84 के अंदर सी करेक्ट होगा, 85 के अंदर सी करेक्ट होगा, 86 के अंदर, जब क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर डी करेक्ट होगा, 87 के अंदर डी करेक्ट होगा, और 88 में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो देखिए 88 में बी और डी में से एक होगा, 89 में सी होगा, 90 में भी कंफ्यूजन है, 91 में 10 होगा, 92 में जी होगा, 94 के अंदर बी होगा, 95 के अंदर 4 होगा। ये स्टेटमेंट बेस है, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है गाइस, इसके अंदर आप मैच कर सकते हो अपने से। और इसके अंदर 98 के अंदर फर्स्ट होना चाहिए, 96 के अंदर सी शायद तक हो सकता है, 99 के अंदर बी होगा, 99 ऑप्शन नंबर 99 के अंदर बी होगा, और 100 के अंदर सी होगा। तो आई होप आपको ये गाइस आपको ये आंसर की पसंद आई होगी, या फिर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सारे क्वेश्चन इसके अंदर जो मैंने गलत लगा रखे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो गाइस ये थी मेरी आंसर की कुछ क्वेश्चन, देखो इसमें जल्दीबाजी में कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने ट्राई किया सारे क्वेश्चन का सही सही आंसर दिया। एंड गाइस इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़
अगर आपको लगे सही आंसर सब सही है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माइंडू सलाह. थैंक यू वेरी मच एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू वेरी